नवरात्र अखंड ज्योत के लाभ जानिए। कई बाधाओं से मिलता है छुटकारा। नवरात्रों के पर्व में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग और रूपों की पूजा अर्चना होती है। सभी लोग विधि विधान पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इन सब में कलश स्थापना और नवरात्र अखंड ज्योत का सबसे ज्यादा महत्व होता है। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और माता रानी की प्रतिमा के समक्ष नवरात्रि के अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। ऐसा माना जाता है नवरात्रि के अखंड ज्योत से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के मुताबिक भी यह बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में घर में जलाई गई अखंड ज्योति घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देती है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नवरात्रि के अखंड ज्योत। अगर आप अपने घर में नवरात्रि के अखंड ज्योत जलाते हैं तो इससे आपको कमाल के फायदे मिलते हैं। नवरात्रि के अखंड ज्योत से आप बहुत सी परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से नवरात्र में जलाई गई अखंड ज्योति से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। ये भी पढ़ें, आखिर क्यों हमें आग की परछाई नहीं दिखती। जानते हैं नवरात्र अखंड ज्योत के लाभ के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नवरात्रि के पवित्र दिनों में पूरे 9 दिनों तक अगर अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे घर परिवार में सुख शांति और पितृ शांति बनी रहती है। नवरात्र अखंड ज्योत। अगर आप नवरात्रि के दिनों में घी और सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपके बहुत ही शीघ्र शुभ कार्य पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं अगर वे घी का दीपक जलाते हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष की समस्या है जिसकी वजह से उसके जीवन में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, वे वास्तु दोष की वजह से आए दिन किसी न किसी परेशानी का सामना करता रहता है तो इसको दूर करने के लिए वास्तु दोष वाले स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। नवरात्र अखंड ज्योत जलना बहुत ही शुभ है। सभी ग्रहों में शनि को सबसे कष्टकारी ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर शनि किसी के ऊपर हावी हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। शनि के बुरे प्रभाव की वजह से व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो पाती है। अगर आप शनि के बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप नवरात्र में तिल के तेल की अखंड ज्योति जलाएं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि के सभी बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिन माता दुर्गा को अति प्रिय है। अगर आप नवरात्रि के अखंड ज्योत जलाते हैं तो इससे आप बहुत सी बाधाओं से बच सकते हैं और आपके जीवन में सब कुछ मंगलवार ही मंगलवार होने लगेगा। अगर आपने नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में नवरात्र अखंड ज्योत की स्थापना की है तो आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी।